ये जो प्रार्थना सभा है देव अधिदेव की अपरम अपार कृपा है, जिन साधकों के द्वारा इस प्रार्थना सभा में देव अधिदेव एवं गुरु महाराज निमित्त बना करके जाप करवा रहे हैं। जाप देव आदि देव को अर्पण किया जाता है, जिनके लिए भी प्रार्थना की जाती है। आश्चर्यचकित परिणाम सम्मुख होते हैं। ये परमार्थ का जीवन, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जाप करना, अपना समय देना, नहीं जानते जाप करने वाले कि किसके लिए जाप किया जा रहा है। जाप करके देव आदि देव को अर्पण कर देना, सूक्ष्म रूप से मौन भाव से जिन जिन के लिए भी प्रार्थना की गई आज तक, आश्चर्यचकित परिणाम सम्मुख थे। जब देव दया होती है तभी गुरु कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन में यह परहित परोपकार का यह कार्य बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होता है। राम नाम की महिमा ही ये है कि यह खर्च करने पर कदापि नहीं घटती। जिसने भी जाप किया है और अपना जाप परहित परोपकार के लिए परमेश्वर की चरण शरण में अर्पण कर दिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, जाप करके प्रार्थना सभा में अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, क्या मांगा? हे प्रभु, तेरी कृपा बनी रहे, मैं और अधिक से अधिक जाप करूं, निष्काम कामना रहित। इस मार्ग का यह गहरा भेद है, जिसने जाप किया, परमेश्वर को अर्पण कर दिया, किसी के लिए भी प्रार्थना कर दी, यह खर्च करने पर कभी भी कम नहीं होता, उसके खाते में वह परम पिता परमात्मा ने तो जाप लिख लिया। अब लाभ जिसके लिए प्रार्थना की, उसको तो अवश्य में सहायता मिल जाती है और उसकी बाधा विघ्न कष्ट अवश्य में दूर हो जाते हैं। हां, अवधि में कुछ भिन्न अंतर हो सकता है, किसी का प्रारब्ध कर्म कितना कठोर है, बस अवधि उस कष्ट को काटने में कम समय अथवा अधिक समय लग सकता है, परंतु अचूक औषध है ये। परिणाम इसका अपने सहायता के लिए अवश्य में प्राप्त हो जाता है, बाधा विघ्न विनाश हो।
परमेश्वर ने जिस साधक के ऊपर कृपा की है वही प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर के अपना किया हुआ जाप परमेश्वर को अर्पण किया कर दिया करता है और यहां से मौन भाव से जिस जिसके लिए भी प्रार्थना की जिस जिसके लिए भी प्रार्थना की परिणाम मन के अनुकूलित हुए। एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं जिसमें परमेश्वर ने प्रार्थना स्वीकार ना की हो। दूसरे जाप करने वाला अपना जाप अर्पण करने के पश्चात भी उसके बही खाते में यह जाप नित नित होत सवाया, यह सवाया बढ़ता चला जाता है, बल्कि सकाम जाप तो कामना सहित कोई अपना कार्य सिद्ध करना हो, वेदों का ज्ञान है, पूरी वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया, तेरा अधिकार है मांगना। अब किसी से कुछ मांगना होगा, फेर की यज्ञ रखिए, उसको क्या सौंपे जिससे वह हमसे प्यार करे, उसके लिए अमृत वेला सतनाओ वड्याई बचा, उसकी महिमा को जानो, उसके नाम का जाप करो, ये किया हुआ जाप उसे समर्पित कर दो। अगर कोई कामना है वह देव देवी देव उसको भी पूरी कर देवेगा, पर अंतर कहां है? कामना रख करके जाप किया हुआ वह कामना तक ही सीमित हो जाता है, वह पूर्ण हो गया, उस जाप का वहीं पर डेली वेजेस, काम किया उसके बदले में पगार ले ली, नाम जपा उसके बदले में अपना काम करवा लिया। जबकि निष्काम जाप में बिना कामना के जाप, वह जो मनोभाव है परम पिता परमात्मा इतना अंतर्यामी है, इतना सजग है, वह जो भी जाप कर रहा है उसके भीतर के भावों को जानता है। जिस प्रकार सुदामा ने त्रिलोकी के नाथ से कुछ भी नहीं मांगा, बार बार त्रिलोकी के नाथ भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा कि भाभी ने कुछ कहा नहीं प्रभु, बस आपके दर्शनों को आया था, ये तुंदुल दिए हैं आपके लिए। त्रिलोकी के नाथ तो जानते हैं कि इसकी भार्या ने क्या कह के इसको भेजा है कि तू इतने दरिद्रता में रहता है और तेरा मित्र त्रिलोकी का नाथ है, उससे कुछ मांग क्यों नहीं लेता। परंतु भक्त प्रेम का भूखा, दर्शनों का भूखा, भगवान ने फिर कुछ समय के बाद कहा, भाभी ने कुछ कहा नहीं प्रभु, बस आपको नमन किया, नहीं मांगा कुछ। और घर में एक भी दाना नहीं खाने को, विदा होने लगे सुदामा जी, भगवान ने कहा शायद अब इसके मन में आ जावे कि अब तो मैं जाने लगा हूं, अब तो अपने मनोभाव बोल देवे। पर कहां, कैसे आए थे सुदामा? बस आपके दर्शनों को आया था, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चला, पीठ कर ली, कुछ ही कदम दूर गए, भगवान ने फिर कहा
सुदामा भाभी ने क्या कहा था, प्रभु मैं भी बार बार कहता हूं अपना नमन दिया है उसने, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, बिन मांगे मोती मिले, गाथा सब जानते हैं। सुदामा जी अपना घर जो महल में परिवर्तित हो चुका है उसको पहचान नहीं पाए। त्रिलोकी के नाथ दिंदा दे लेंदे थक पा, युगा जुगंतर खा ही खा, नाम जाप करने वाला जब कुछ नहीं मांगता, हे प्रभु मेरा जाप तेरे अर्पण है, आप कृपा करें मैं अधिक से अधिक नाम का जाप करूं। महाराज अपनी अवस्था, नाम जपा शुभ लगन से रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे पीछे पीछे सत्यानंद क्या चाहिए, मुझको मिला विश्राम, प्रभु आप चाहिए थे आप मिल गए। ये जपा हुआ नाम नित नित होत सवाया, अगर किसी के प्रति खर्च भी कर देवेगा साधक अपना किया हुआ जाप किसी का दुख दूर करने के लिए, किसी के अभाव को दूर करने के लिए, कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति और कोई बाधा विघ्न आ गया उसके लिए, जो भी साधक निष्काम जाप करके प्रभु के आगे अपने लिए कुछ नहीं दूसरों के लिए मांगना। जब ये प्रार्थना सभा आरंभ करवाई थी श्री स्वामी जी महाराज ने पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज से यही कहा था, दूसरों के लिए तुझे प्रार्थना करनी है, अपने लिए तुझे कुछ भी नहीं मांगना होगा, पाबंदी लगा दी थी। देव आदि देव तेरे कार्य अपने आप करते रहेंगे, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। अब तो इतने अनुभव हो गए, पहले तो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के मुखार बिंद से सुना कि वह कितना दयावान है कितना कृपालु है, नरेंद्र की स्वामी विवेकानंद की गाथा परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज सुनाया करते, ये सुदामा की गाथा पहले सुना करते, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अनुभव उसको ही श्रवण किया करते, फिर पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज के मुखारविंद से अनेक दिव्य वाणी दिव्य शक्तियां उस परम पिता परमात्मा की, उस कृपालु दयालु की, जो परम कृपा स्वरूप है, उसका स्वरूप परम कृपा करने वाला। गाथा को सुना ही था परंतु अब अपने अनुभव में एक नहीं अनेक ऐसे समय आए जबकि यहां तक कि आयु की डोर टूट चुकी है, जब देखा कि यह बाजी हाथ से निकल जावेगी, तुरंत निष्काम जाप के लिए प्रेरणा दे दी। 150 से अधिक साधक यही प्रेरणा दी कि आपने जाप करना किसके लिए करना आपको नहीं पता, बस जाप करके आपने निष्काम जाप में जमा करवाते चले जाना, एक ग्रुप बना दिया उसमें लिख देना परमेश्वर श्री राम ने आज का जाप स्वीकार किया, बस। वह जाप पहले तो प्रतिदिन सायं 6 बजे महाराज को अर्पण करते चले गए विशेष कार्य के लिए, और गुरु महाराज इतने दयालु
इतने कृपालु, कहीं शरणागत डामाडोल ना हो जावे, कहीं इसका निश्चय विश्वास उसको ठेस ना लग जावे। आत्मा बता रहा है कि कार्य बहुत कठिन है ये, परंतु उसके दरबार में क्या कोई कमी है, क्या कोई उसके लिए कठिन कार्य है? जिस प्रकार बच्चा बालक पिता से कोई जिद कर देवे, पे ये कार्य तो कर दो पिता, पिता प्रेमवश अपनी संतान का वह जो कामना उसने की है वह पूरी कर देता है, फिर वह तो परम पिता परमात्मा है। महाराज परमार्थ का जीवन चाहते थे और उसी मार्ग पर यह चलाया हुआ है। ये मंगलवार की प्रार्थना सभा बहुत भाग्यशाली है जो जन्म जन्मांतर तक आने वाली पूंजी, जो काम आने वाली पूंजी है, साधक एकत्रित कर रहे हैं। आपके जाप पाठ से दूसरों को सुख मिल रहा है, दूसरों के कष्ट दूर हो रहे हैं, दूसरों के रोग विपदा इसका हरण हो रहा है और अपना खजाना भी नित सवाया भर रहा है। इससे बड़ा सौदा और क्या होगा? ये है हमारे गुरु महाराज। अपने पथ पर आप चलाओ, जिस पथ पर गुरु महाराज चले, पर हित प्रोपकार के लिए, एक व्यक्ति को राम नाम की दीक्षा देने के लिए, राम नाम के साथ जोड़ने के लिए बहुत कष्ट उठाए, पगडंडी पर 3-3 कोस पैदल चले, एक ट्रंकी अपने सिर पर रख करके 3-3 कोस, क्यों? दुख दूर होवे। ये औषध राम नाम की खाइए, ये औषधि महाराज ने कहा मैंने छका दी ताकि वह समस्त दुखों से कष्टों से उसका छुटकारा हो जावे। जो परहित परोपकार का जीवन गुरु महाराज का अपना था, वही जीवन परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का रहा, उसी मार्ग पर हमें चला दिया, उसी नाम से यह ज्योति हमारे बीच में आई, हमें उसी नाम के साथ जोड़ करके उसी ज्योति में ज्योत समा गई और हमारे को उस ज्योति में ले जाने के लिए मार्ग दे गए, धन हुए ऐसे गुरु महाराज को अपने जीवन में प्राप्त करके। हे गुरुदेव, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपने बाजू थाम रखी है, मेरे कर्म निहार कर, पतली पड़े ना प्रीत, पाप किए तो अति किए, कभी ना मानी हार, दे पड़ा हूं द्वार तब, रख ले चाहे मार। और आपने कहा है पर शरणागति जो चन चाहे, तेरा हूं सुविश्वास दिलावे, मम प्रण है उसे अपनाना, शरण में ले निर्भय बनाना। हे गुरुदेव, आपने तो अब बहुत अनुभव करवा दिए, हम धन हुए, इसी प्रकार हम सबका उद्धार हो जावे, कल्याण हो जावे, आपका धाम हम सबको प्राप्त हो जावे, ऐसी आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री राम।
सुख का।